आरोपी है उसका नाम है मॉरिस सैमुअल क्रिश्चियन। ये जो है इसने पीएचडी कर रखा है एलएलबी वो लॉ के अंदर और एलएलबी भी कर रखा है। उससे पहले इसने इंजीनियरिंग किया है और ये साबरमती का रहने वाला है ओरिजिनली। इसके जो पेरेंट्स है वो मदर है वो गोवा से है और जो फादर है वो उसने बताया उस हिसाब से राजस्थान का रहने वाला है। और ये पिछले कुछ टाइम से आर्बिट्रेशन का काम कर रहा है। किस तरह से पकड़ा गया है, क्या पूरा मामला है? कुछ ऐसे लोग भी सामने आए जो भोग बनना के अंदर जिन्हें चीटिंग फीडबैक के बाद पूरा मामला कैसे सामने आया? ये जो मामला है इसके अंदर कल जो यहाँ पे सिटी सिविल कोर्ट है वहाँ से जो रजिस्ट्रार है उन्होंने हमारे पास एफआईआर दर्ज करवाई है। जो ठाकुर बाबूजी छनाजी का जो मैटर है उससे रिलेटेड उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई है। पहले भी क्या था, किस तरह से कोर्ट ये चला रहा था, बड़े सपोर्टिव पूरी क्या थी? हाँ, इसके अंदर ऐसा मैटर है कि जो जमीन है वो कलेक्टर की जमीन है और उसके अंदर इनके बीच कलेक्टर और जो पार्टी है उसके बीच में कुछ डिस्प्यूट चल रहा था। तो इसने जो पार्टी है उसकी तरफ से एज आर्बिट्रेटर ये निमणूक हुआ। उसके बाद इसने कलेक्टर के साथ में नोटिस वगैरह भेजा। नोटिस भेजने के बाद जो एक्सेप्ट हो गया वहाँ से, तो इसने अपने साइड से ही सब कुछ करके और उसमें फाइनल अवार्ड है वो दाखिल कर दिया उसमें, जिसमें इसने 2000 स्क्वायर गज जितनी ज़मीन है उस पार्टी को दी और 10000 स्क्वायर गज जितनी ज़मीन है वो गवर्नमेंट के जो सामने कलेक्टर है उसको दी है। सर, अब तक कितने ऑर्डर इसने पास किए होंगे, कितना सामने आया? अभी उस बारे में तपास चालू है तो वो आपको कुछ टाइम के बाद में हम बता पाएंगे। इसका पूरा स्टाफ कितना रहता था, कहाँ पर पूरा ऑफिस सेटअप करके रखा था? अभी तो हमारे पास ये इंडिविजुअली मिला है, इसके बाद हम तपास करेंगे क्योंकि अलग अलग मैटर है वो अलग अलग आदमी इसके पास लेके आते होंगे और जो मैटर लेके आते हैं उसके हिसाब से कौन कौन सा मैटर लेके आते थे। ये स्पेसिफिकली टारगेट करते थे जो एएमसी और जो कलेक्टर है उनके जो जमीन है उसका मैटर को ये टारगेट करते थे। तो ये भी बात सामने आई है कि हाई कोर्ट ने इसको पहले कुछ साल पहले इसको एक आदेश भी दिया था, इसको कुछ फाइन भी किया था, तो दोबारा ये ऐसा नहीं करेगा ऐसा कुछ मतलब लिया था, फायदा लिया था, कुछ मामला ऐसा कुछ सामने आया आपके हिसाब से? हाँ, जो हमारे को भेजा गया है कोर्ट से उसके अंदर लिखा हुआ है कि इसने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इसके अगेंस्ट इश्यू हुआ है। इसका पास्ट का जो है वो क्रिमिनल हिस्ट्री भी है जिसके अंदर 2015 के अंदर इसने जो सेक्टर 21 और 24 गांधीनगर है वहाँ पे इसने ऑफिस रेंट लिया था और इसमें 2015 में इसके अगेंस्ट मणिनगर में एक एफआईआर रजिस्टर हुई है जो चीटिंग की है। उसके बाद उससे पहले 2012 में चांदखेड़ा में और क्राइम के अंदर 2007 में भी एफआईआर रजिस्टर हुई है। ये मेजोरिटी जो है वो सिविल मैटर्स है, सिविल मैटर्स के अंदर जो तपास है वो जो कागज बनाए हैं उसने उसी के ऊपर चलती है। तो हम जो भी उसने कागज बनाए हैं, जो भी उसने ऑर्डर इशू किए हैं, जो भी अवार्ड इशू किए हैं आर्बिट्रेटर तरीके, उनको हम तपास करेंगे। उसमें क्या किया है, उसने कितने लोगों के साथ मिला हुआ रहा है और उसके बेसिस पे हमें जो भी चार्जेस उसके अगेंस्ट होंगे उसके हिसाब से चार्जशीट की जाएगी। सर, कितने साल से इस प्रकार से काम कर रहा था, कुछ ऐसा उस प्रेस में ऐसा पता चला है कि 2002 में इसने एलएलबी की डिग्री ले ली थी, मतलब उसके बाद ये लॉयर तरीके काम कर रहा है। बाकी पार्टियों को क्या बताता, खुद जज है ऐसा बताता था, क्या बताता? ये ऐसा अभी कुछ तपास में सामने आया नहीं है, जब आएगा तब उसके बाद में। प्रॉपर्टी कितनी है अभी, क्या ये हमने कल शाम को इसको अरेस्ट किया है तो अभी इसी में टाइम लगेगा। जो है इन्फॉर्मेशन है इकट्ठी की जा रही है, एक बार आ जाएगी तो आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाएगी। पूछताछ की गई होगी, या तो क्लाइंट खुद ढूंढता? नॉर्मली सिविल मैटर्स में ऐसा होता है कि जो एग्रीव्ड पार्टी होती है वो ढूंढ रही होती है कोई एडवोकेट उसको मिल जाए जो उसको सपोर्ट करे, जो उसके केस को चलाए और उसको न्याय दिलाए। तो लोग सजेस्ट भी कर देते हैं कई बार, कई बार एक्टिवली भी परस्यू किया जाता है। इस केस में कैसे होता था वो हम तपास कर रहे हैं। सर, ये फिर भी पहचान क्या बताता था, लोगों को क्या पहचान? ये लोगों को आर्बिट्रेटर तरीके ही अपनी पहचान बताता था और बोलता था कि मैं आर्बिट्रेशन करवा दूँ। पूछताछ की गई है, क्या पूछताछ हुई और क्या बता, वो क्या रहा है आपने बेसिक? वो यही बता रहा है कि मैं आर्बिट्रेटर तरीके जो इंडियन काउंसिल फॉर आर्बिट्रेशन है उसका मैं मेंबर हूँ और मैंने आर्बिट्रेटर तरीके ही ये काम किए हैं जो भी काम किए। सर, जो केस दर्ज हुआ है उसका फैसला या जो भी उसने उस वक्त हुक्म पास किया था वो कब किया था और कोर्ट को इस बात का जब पता चला कि उसने पूरा फ्रॉड किया हुआ है या उसको सत्ता नहीं होने के बावजूद उसने फैसले सुनाए?
डॉक्यूमेंट चेक करने पड़ेंगे, बहुत सारे डॉक्यूमेंट।